यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। यूपी के बहराइच जिले के रहमान नगर कई क्षेत्रों में खसरे का कहर है। खसरा बीमारी की वजह से अब तक जिले में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों बच्चे इस बीमारी की चपेट में बताए जा रहे हैं। जबकि जिले का स्वास्थ्य विभाग इसे अनजान है और ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी अधिकारी अभी तक गांव का जायजा लेने नहीं पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि 100 से अधिक बच्चे बीमार हैं, जबकि 20 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। गांव के बाहर की लाखों की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, लेकिन 8 सालों से इस केंद्र का ताला नहीं खुला है अभी तक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए निशांत गुप्ता हमारे संवाददाता बहराइच से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत, ये जो खसरे का कहर देखने को मिल रहा है, कई बच्चे इसकी चपेट में आ गए हैं, 3 बच्चों की मौत भी हो चुकी है, इसे लेकर और क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी सीएम, ये तेजवापुर ब्लॉक के कटहा गाँव का मामला है पूरा जी, और वहाँ पे पिछले कुछ दिनों से खसरे की चपेट में आकर 3 बच्चों की मौत हो गई है और लगभग 100 से ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में आके बीमार हुए हैं। बिल्कुल निशान, तो क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात की गई है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, उन्हें सूचित कर दिया गया है? मैम, पहले तो प्रशासन इस मामले से अंजान अपने आप को अंजान बताता रहा है, बाद में जब कैमरे के सामने वो आया है तो फिर उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की है और अपनी स्वास्थ्य टीम में भेजी है वहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत गुप्ता तमाम जानकारी देने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में खसरे का कहर देखने को मिल रहा है, 3 बच्चों की मौत भी हो चुकी है, इसके अलावा 20 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, पूरे कुल 100 बच्चे बीमार इस बीमारी के कारण बताए जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों में भी काफी दहशत का माहौल बना हुआ है।